गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हमने एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन कल स्टार्ट किया था ना तो एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन में हमें बात करनी थी ब्रांचेज की तो ब्रांचेज में हम सबसे पहले बात कर रहे थे एग्रोनॉमी की यानी सस्य विज्ञान की आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सस्य विज्ञान है एग्रोनॉमी है वो कौन सी भाषा का शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है यानी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ग्रीक बताई थी ना कल मैंने आपको भाई जिनके पीछे लॉजी या नोमी होता है वो ग्रीक का ही होता है सिर्फ पॉमोलॉजी को छोड़कर ठीक है तो एग्रोनोमी शब्द है वो किससे बना हुआ है एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना हुआ है इससे मिलकर बना हुआ है एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना हुआ है एग्रोस का मतलब क्या होता है जी एग्रोस का मीन्स आपको बताया था फील्ड होता है यानी होता है और नॉमस का मीन्स आपको क्या बताया था टू मैनेजमेंट होता है नॉमस का मतलब होता है टू मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना टू मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना कल मैंने आप लोगों को बताया था एग्रोनॉमी वर्ड का मीन्स क्या होता है शब्द का अर्थ क्या होता है शब्द का अर्थ होता है फील्ड मैनेजमेंट यानी खेत का प्रबंधन करना आपसे मान लो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि फील्ड मैनेजमेंट क्या है? आप बोलोगे एग्रोनॉमी है जी एक बार सीधा एग्जामिनर क्या करता है शब्द का अर्थ है वो पूछ लेता है अब बात आती है डेफिनेशन की तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे एग्रोनॉमी की भाई एग्रोनॉमी की डेफिनेशन होती है एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर्स एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर्स इन विच स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रेक्टिस प्रेक्टिसाइड्स ऑफ फिल्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी हिंदी में हम बोले तो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्षेत्रीय फसलों के उत्पादन व प्रबंधन के सिद्धांतों व प्रक्रियाओं को पढ़ा जाता है सिद्धांतों व प्रक्रियाओं को पढ़ा जाता है ये डेफिनेशन बन जाती है अभी इसके अंदर अपने भाई डिस्कस करेंगे केस क्या होता है सारे का सारा इसके अंदर डिस्कस होगा टेंशन मत लीजिए एग्रोनॉमी क्रॉप में तो एग्रोनॉमी क्या है एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें आप किसकी स्टडी देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बस इतना सा याद रखना होता है कि एग्रोनॉमी में आप किसकी स्टडी करते हैं फील्ड क्रॉप्स की स्टडी करते हैं यानी क्षेत्रीय फसलों की स्टडी करते हैं सीधी सी बात है एग्रोनॉमी में किसकी स्टडी करते हैं फील्ड क्रॉप क्षेत्रीय फसलों की स्टडी करते हैं सच विज्ञान में आप क्षेत्रीय फसलों का अध्ययन कल तो को लिखना है तो आप बोलोगे एग्रोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी एंड फील्ड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है यहां पे शाखा नहीं लिखा ना कृषि विज्ञान की वह शाखा है यहां लिख देता हूं सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है वह शाखा है जिसमें क्षेत्रीय फसलों के उत्पादन व प्रबंधन के सिद्धांतों व प्रक्रियाओं को पढ़ा जाता है कुल मिला के फील्ड क्रॉप की स्टडी है वो होती है बात खत्म सिंपल सी बात है क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे चलिए ये तो बात किसकी हो रही थी एग्रोनॉमी की हो रही थी, थी? सस्य विज्ञान की हो रही थी अब मैं बात करूं एग्रोनॉमी में क्रॉप कौन कौन सी आती है मैंने कहा था ना पीछे एग्रोनॉमी में वो क्रॉप आती है जो हमारी बेसिक नीड्स पूरी करती है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करती है उन क्रॉप्स को हम किसमें रखते हैं एग्रोनॉमी में जिसमें आपकी एक तो आती है सीरियल क्रॉप्स सीरियल क्रॉप्स बोले तो अनाज वाली फसलें अनाज वाली फसलें अब देखो सीरियल क्रॉप क्या होती है पहले तो सीरियल शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज से आया हुआ सीरियल जो वर्ड वो सी है, है? सी है? तो जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आया हुआ सीरियल शब्द है जी ये रोमन लैंग्वेज का है कौन सी भाषा का है कल को आपसे पूछ ले कि सीरियल जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है तो आप बोलोगे रोमन भाषा से लिया गया शब्द है अब देखो सीरियल हम क्यों खाते हैं और क्या ये जीवन के लिए क्यों जरूरी है मूलभूत क्यों है बेसिक नीड क्यों है देखो सीरियल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं है ना और आपको पता है अपने जो भोजन खाते हैं उसमें अधिकांश जो हिस्सा होता है मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है वो किसका होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है वो किसका होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को तो मेनली किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से भाई हमें कार्बोहाइड्रेट से ही सबसे मेन ऊर्जा जैसे कोई सी व्हीकल को उसके फ्यूल से है ना जैसे डीजल है पेट्रोल है उससे एनर्जी मिलती है वैसे ही हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है आपको पता हो तो कार्बोहाइड्रेट के एक ग्राम मोलिक्यूल्स में एक ग्राम अणु में कितनी ऊर्जा देखने को मिलती है चार किलो कैलोरी ऊर्जा है वो आपको देखने को मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है भाई सीरियल्स आपको पता हो तो सीरियल में कार्बोहाइड्रेट साठ से अस्सी परसेंट होता है कितना होता है सिक्सटी टू एट्टी परसेंट अनाजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है साठ से अस्सी परसेंट वहीं पे आप लोगों से पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से सीरियल में देखने को मिलता है आप संकोच बोल दीजिए कि राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है इतना होता है भाई राइस में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सेवेंटी एट परसेंट सबसे ज्यादा इसी में होता है चावल के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो देखने को मिलता है ठीक है अब देखो सीरियल कौन से सीरियल को डिफाइन कैसे करोगे आप बोलोगे पोएसी या ग्रेमिनी कुल है इनका फैमिली है तो आप बोलोगे कि जो पोएसी या ग्रेमिनी के वो मेंबर जिनके ग्रेन यानी दाने कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रधान सोर्स होते हैं और जिनका उपभोग हम कार्बोहाइड्रेट के लिए ही करते हैं कंजप्शन कार्बोहाइड्रेट के लिए ही करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं सीरियल यानी पोएसी के वो मेंबर जो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं जिसका कंजप्शन हम कार्बोहाइड्रेट के लिए ही करते हैं यानी कार्बो अनाज वो होते हैं जो ग्रेमिनी या पोएसी के सदस्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट के उच्च स्रोत होते हैं जिनका हम उपभोग कार्बोहाइड्रेट के लिए ही करते हैं वो अनाज है सीरियल इंग्लिश में भी बता दिया है मैंने हिंदी में भी आप लोगों को बता दिया है ठीक है जैसा भी आप लोगों को समझ में आए अब देखो आजकल एक मिलेट का जमाना चल गया भाई है ना इसका जमाना चल गया मिलेट का मिलेट भी एक अपने आप में अनाज ही है है ना मिलेट जिनको आप हिंदी में प्योर कदन बोल देते हैं लेकिन हिंदी वाले भी जनरली मिलेट शब्द ही याद रखते हैं तो मिलेट भी अपने आप अप में अनाज ही होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या है जो मिनरल्स होते हैं खनिज होते हैं उनके भी बढ़िया सोर्स होते हैं जो मिलेट होते हैं जनरली क्या है जो अपने मेजर का सीरियल है ना मुख्य अनाज जो है जैसे राइस है चावल है भारत की साठ से पैंसठ प्रतिशत आबादी का भोजन है वो राइस ही अभी बात करेंगे अपने तो राइस है वीट है मेज है यानी कहने का मतलब चावल है गेहूं है मक्का है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो खूब है लेकिन जो मिनरल्स होता है खनिज होता है ना वो बहुत कम होता है बहुत सारे लोगों में इनकी एलर्जी भी देखने को मिलती डॉक्टर कई बार आपने देखा होगा इनको बंद भी कर देता भाई दूसरा आप अनाज खाएं तो दिक्कत होती है इनसे और मिनरल्स मिलते नहीं है न्यूट्रेंट्स इतने मिलते नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसलिए मिलेट ज़्यादा चलते हैं मिलट में क्या होता है मिनरल्स खनिज भी अच्छे खाते हैं जैसे आयरन है जिंक है ये खूब देखने को मिलते हैं इसलिए मिलेट का जमाना चल गया है अब देखो सीरियल्स में बात करूं अनाज में जैसे मैंने कहा राइस भी है वीट भी है यानी राइस बोले तो चावल है वीट है गेहूँ है मेज मक्का है सोरगम ज्वार है पियर मिल्ट बाजरा है फिंगर मिलट रागी है और बार्ले जो है और उसके अलावा बहुत प्रकार के मिलट है जो छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग खाते हैं पहले तो मिलट गरीब लोग खाते थे है ना कौन खाते थे गरीब लोग छोटे छोटे एरिया के आदिवासी जो लोग हैं जैसे कहीं पे कोई फॉक्सटेल टेल मिलट खाता था कोई पे प्रोसो मिलट खाता था कोई ब्रेन ब्रेनयार्ड मिलट खाता था है ना कहीं पे कोई सा मिलट ये छोटे छोटे क्षेत्रों में खाए जाते थे कोई बकवीट खाता था कोई कुछ अब क्या है इनके न्यूट्रेटिव वैल्यू को देखते हुए अमीर लोग इनके पीछे भाग रहे हैं भाई हमें भी दो हमें भी दो इनका ये जो तेज तरार लोग है ना इनको उगा उगा के इनका आटा बना के कार्बनिक वार्बनिक लिख के चार सौ चार सौ रुपए किलो बेच देते हैं इनको है ना तो भाई पढ़े लिखे लोग है वो चलाकी तो करेंगे ही करेंगे इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई है कि आप क्या है आसानी से पैसा कमाए तो अब जो मिलेट है उसका जमाना आ गया आपको पता है साल दो हजार तेईस को अंतरराष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में मनाया गया था इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में बनाया था तो आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर कौन से ईयर को सेलिब्रेट किया गया था तो आप बोलोगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 2023 को किसको सेलिब्रेट किया गया था 2023 को है वो सेलिब्रेट किया गया था और वैसे तो इसका इस साल का जो इनोग्रेशन है ना भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिले अंतर राष्ट्रीय कदन वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष जो है वो 2023 को सेलिब्रेट किया गया था इसको सेलिब्रेट किया गया था 2023 को सेलिब्रेट किया गया था ठीक है अब जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट है ये एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो रोम इटली के अंदर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ जिसको बोलते हैं कृषि व खाद्य रोम इटली में तो इसने इसका इनोग्रेशन किया था रोम के अंदर इटली के अंदर ही लेकिन इस साल का जो नेतृत्व तो किया था ना वो भारत ने किया था जो इसका नेतृत्व तो किया था वो किसने किया था इंडिया ने मतलब इसको जो अगुवाई की थी वो किसने की थी इंडिया ने की थी भारत ने की थी क्यों भाई पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मिलेट भारत ही तो प्रोड्यूस करता है भारत को तो हब ऑफ मिलेट कहते हैं इंडिया को तो हब ऑफ मिलेट कहते हैं तो ये सब क्यों हो रहा है आजकल पता है धान की खेती को छोड़कर मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए बोला जा रहा है सरकार उसके लिए कुछ पैसा भी देती है तो क्यों क्योंकि मिलेट का महत्व तो देखा जा रहा है भविष्य में और ये पता है ड्रो टोलरेंट होते हैं सूखे में उग जाते हैं पानी वानी भी कम चाहिए तो आगे आने वाले समय में जो पानी की कमी को देखते हुए अगर हम देखें तो मिलट का बड़ा भाई आगे स्कोप है और हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलती है खाद्य सुरक्षा भी मिलती है कैसे मिलती है खाद्य सुरक्षा क्योंकि न्यूट्रेंट कंटेंट क्या होता है बेहतरीन होता है अच्छा होता है समझ गए होंगे आप बात को अब देखो मैं बात कर रहा था कि अब क्या है कुछ मिलट आगे उनमें से दो तीन ऐसे आ आगे एक का नाम है बकवीट जिसे हिंदी में कुट्टू के नाम से जानते किस नाम से जानते कुट्टू दूसरा है जी एक आपका बाथुआ एक है आपका एमरेंथस यानी चोलाई अब देखो इनके भी हम सीड खाने लगे कार्बोहाइड्रेट के लिए तो ये भी मिलेट है अब मैंने क्या बोला अनाज वो होगा सीरियल वो होगा जो पोयस कुल का होगा ग्रेमिनी लेकिन ये तीनों ही पोयसी के नहीं है अब जो बकवीट है ना कुट्टू है ये तो पोलीगोनेसी फैमिली का है कौन सी फैमिली का पोलीगोनि बथुआ और एमरेंथस है इसमें से बथुआ है वो चीनोपोडिय का है कौन से का है चीनोपोडिय का एमरेंथस है वो एमरेंथेसी का ये तीनों ही ग्रेमिनी के नहीं है उसके बावजूद भी हम इन्हें मिलेट में पढ़ते हैं तो इन्हें हम वास्तविक अनाज नहीं कहते हैं ट्रू सीरियल्स नहीं कहते हैं हम इनको सूडो सीरियल की कैटेगरी में रखते हैं झूठे अनाज की श्रेणी में रखते हैं कौन सी श्रेणी में रखते हो आप झूठे अनाज की श्रेणी में रखते हो अवास्तविक अनाज की श्रेणी में तो आपसे पूछ ले कि कौन कौन से झूठे अनाज है अवास्तविक अनाज है तो आप क्या बोलोगे कि ये तीन है ना वो अवास्तविक है बाकी सारे कौन से कुल के होंगे पोएसी कुल के होंगे तो आप अनाज को इस तरह से प्रभावित प्रभाषित कर देंगे देखो मिलेट का मतलब क्या होता है मिलेट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंडफुल ग्रेन्स यानी एक मुठ्ठी में मिठी में दाने अब मुठ्ठी में इसके हजारों दाने आ जाते हैं नहीं थाउजेंड ऑफ a handful, यानी एक मुट्ठी के अंदर अझारों दाने तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जो मिलेट जो है कौन सा शब्द है मिलेट है वो एक फ्रेंच वर्ड है ध्यान रखिएगा और मिलेट जो होते हैं वो अनाजों के ही प्रकार होते हैं इनमें nutrients ज्यादा होता है इसलिए आप इन्हें कोर सीरियल यानी मोटा अनाज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कोर सीरियल या मोटे अनाज के रूप में जानते हैं न्यूट्रेंट ज्यादा इसलिए आप इनको न्यूट्री सीरियल यानी पोषक अनाज के रूप में भी जानते हैं तो ये हो गए भाई सीरियल जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है और हमें क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड है वो करवाते हैं हमें एनर्जी है वो प्रोवाइड करवाते हैं और जो सीरियल शब्द है वो कौन सी भाषा से आया हुआ है रोमन भाषा से आया हुआ है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अब हम बात करें फील्ड क्रॉप में या एग्रोनॉमी क्रॉप में अगली क्रॉप कौन सी आती है अगली आती है जी आपकी पल्सेज यानी दलहनी फसल आती है पल्सेज क्रॉप आती है पल्सज क्रॉप यानी दलहन फसल आती है पल्स क्रॉप आती है यानी दलहनी फसल आती है पल्स क्रॉप यानी दलहनी फसल सबसे पहले तो हम बात करें जी ये पल्स शब्द है ये कहाँ से आया जी ये लेटिन वर्ड है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है ठीक है ये आपका लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है इसका मतलब होता है थिक सूप यानी गाढ़ा सूप सूप जानते हो सूप तो पिया होगा आप लोगों ने यह है ना बताओ भाई पिया नहीं पिया

तो अब वो है ना उसको आप जूस मैं नहीं पीऊंगा दूध बोले नहीं पीऊंगा रोटी मतलब उसको कुछ जैसे दलिया दरिया वे बोले नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो आप सब्जी रोटी दे दो थोड़ी सी दे दो चाहे वो कुछ मसालेदार खाना चाहता है मुंह का टेस्ट सुधारना चाहता है तो हमें उसको हेल्थी जूस पिलाना है जूस तो पिएगा नहीं तो आप जूस को हल्का गर्म करें थोड़ा सा गाढ़ा करें उसको और हल्का मसाला हल्का स्पाइसेस डाल दें ताकि उसको चटपटा लगे और वो पी जाए इसको सूप बोलते हैं ठीक है तो सूप का मतलब होता है ड्रिंक्स ठीक है लेकिन हमने तो सूप का मतलब ही कुछ और निकाल दिए खूब तपाते हैं उसके न्यूट्रं डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं और मैंने कहा ना क्रूटोन क्रूटोन और डाल देते हैं ये बड़ा पंखा हो गया एक्चुअल सूप पिलाएं तो हमें बढ़िया नहीं लगेगा यार ये कौन सा सूप सूप तो हमारे ठेले पे मिलता है वो बढ़िया है हमें तो वही बढ़िया लगेगा फिर है ना तो अब जनरली क्या है कि जो पल्सेज है वो एक लेटिन वर्ड है और कौन सी सॉरी इसका अर्थ क्या होता है थिक सुप गडा सूप होता है पल्सेज हेल्थी होते हैं ना इसलिए पल्सेज कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं लेग्यूम फैमिली से यानी लेग्युमेनेसी कुल से और लेग्यूमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम लेग्युमेनेसी कुल का दूसरा नाम कौन सा होता है फेबिय होता है लेग्युमेनेसी कुल का दूसरा नाम कौन सा होता है बेटा जी फेबिय होता है फेबिय ठीक है तो पल्सेज सारे लेग्युमेनेसी में ही आते हैं और कभी ये मत समझ लेना कि सारे लेग्यूमी पल्सेज है बरसीम रिज का है ना अपनी फोर्डर क्रॉप है चारे वाली फशु पशुओं को खिलाते हैं वो दलहन में नहीं आती है इमली जानते हो वो लेग्यूम है वो पल्सिस में नहीं आती है हिजड़ी जानते होंगे वो भी लेग्यूम है लेकिन वो पल्सिस थोड़ी है तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जो लेग्यूम तो है लेकिन पल्सिस नहीं है तो आप बोल सकते हो ऑल पल्स आर लेग्यूम बट ऑल लेग्यूम आर नॉट पल्स सारी दलहनी फसलें लेग्यूम है लेकिन सारे लेग्युम है वो दलहनी फसलें नहीं होती वैसे लेग्यूम भी है वो भी लेटिन वर्डी है पल्सेज भी लेटिन है और लेग्यूम भी कौन सी लैंग्वेज का है लेटिन वर्ड ही है ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब हम बात करें पल्सेज है वो किसके सोर्स है पल्सेज की डेफिनेशन क्या है देखो पल्सेज लेग्यूमेसी के वो मेंबर जिनके ग्रेन्स है वो प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं जिसको हम प्रोटीन के सोर्स के रूप में कंज्यूम करते हैं वो पल्सेज कहलाते हैं दलहन लेग्यूमेसी कुल के वो सदस्य होते हैं जिनके दाने प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं और जिनका उपयोग हम प्रोटीन के लिए ही करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं दलहन बोलते हैं ठीक है अब देखो वैसे तो प्रोटीन के और भी सोर्स होते हैं लेकिन एक शाकाहारी आदमी के लिए सबसे बढ़िया जो प्रोटीन का सोर्स होता है वो कौन सा होता है दलहन भाई देखो आपको अलग अलग जगह पे प्रोटीन की मात्राएं आपको याद रखनी पड़ेगी मैं आपको एक साथ ही पहले प्रोटीन की मात्रा बता देता हूं फिर हम पल्सेज ग्रोप में दलहनी फसलों में वापस लौटेंगे भाई देखो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो यूनिवर्स में नेचुरल सोर्स में आपको सोयाबीन में देखने को है सोयाबीन के अंदर अपने जो खा सकते हैं वैसे तो क्लस्टर सोयाबीन में 40 से 45 परसेंट प्रोटीन होता है ना चालीस से 45 एक्यूरेट पूछ ले तो 42 परसेंट के लगभग ठीक है वैसे तो अब ग्वार उसका हम सूखा बीज तो खाते नहीं ग्वार के सूखे बीज में यानी दाल जैसा बीज कहने का मतलब हरा होता है तब तो पानी की मात्रा होती इतना परसेंटेज प्रोटीन कैसे काउंट करोगे आप लेकिन जो क्लस्टर बीन सीड होते हैं क्लस्टर बीन के जो सीड होते हैं ग्वार के उसके अंदर 45 परसेंट प्रोटीन होता है और इसे इंडियन सोयाबीन के नाम से भी जानते हैं नाम से जानते भारतीय सोयाबीन के नाम से जानते लेकिन इसमें एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड और टॉक्सिक कंपाउंड ज्यादा होते हैं विशाखत पदार्थ और जो पोषक तत्वों को शरीर में न मतलब एबजोर्व होने दे वो कुछ पदार्थ ज्यादा होते हैं आपको पता है ना सभी जो दालें होती है ना उसमें विशाखत पदार्थ भी होते हैं टॉक्सिक कंपाउंड भी होते हैं या एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड का मतलब जो पोषक तत्वों को शरीर में एब्जोर्व होने से रोके तो वो कुछ तत्व होते हैं सभी दालों में इसलिए दाल को कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए अगर आप दाल वाली बीज है ना वो खा रहे हैं तो या तो उसे स्प्राउट करके खाइए पानी में भिगो के स्प्राउटिंग कंडीशन में खाइए तब ये जो नुकसानदायक जो मटेरियल है ना वो खत्म हो जाता है यानी टॉक्सिक कंपाउंड और न्यूट्रिशनल कंपाउंड विशाकत पदार्थ और जो हमारे पोषक तत्वों को रोकने वो खत्म हो जाते हैं या फिर आप उन्हें कुक करके खाएं पका के खाएं तो वो हमारे नष्ट हो जाते हैं कच्ची दाल आपको कभी नहीं खानी चाहिए ठीक है इस चीज को ध्यान रखना है दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो मशरूम में भी बढ़िया प्रोटीन होता है मैं दालें नहीं बता रहा हूं मैं सारे प्रोटीन के स्रोत बता रहा हूं लगभग तेतीस परसेंट के आसपास उसके बाद मैं दालों में बात करूं तो केसारी की जो दाल होती है सारीसारी की दाल है ना जिसको आप स्वीट पी भी बोलते हैं मीठी मटर भी बोलते हैं लिथायरस इसमें कितना प्रोटीन होता है जी इसके अंदर आपका प्रोटीन होता है इकतीस से तेतीस तो बत्तीस परसेंट मान के चलो इतना बत्तीस परसेंट बाकी अगर पल्सेज में सभी में देखें यानी बाकी दलहन में देखें तो आपको एवरेज मिल ही जाएगा सत्रह से अट्ठाईस सब में अलग अलग है जी उसके अलावा मैं बात करूँ तो एक फिश होती है टूना मछली टून्ना मछली में प्रोटीन 28 परसेंट होता है 28 परसेंट उसके बाद मैं बात करूँ तो फिश के अलावा हम चले चिकन में चिकन के अंदर मुर्गों के मांस में 19 परसेंट होता है बाकी जो मीट एंड फिश है मांस व मछली है उसमें 18 परसेंट होता है तुलना में 28 होता है, ध्यान रखिएगा और उसके बाद मैं बात करूं एग अंडा में इसमें 11 से 13 होता है एक्यूरेट पूछ ले तो 11.8 पॉइंट परसेंट अब देखो अनाजों में बात करें तो प्रोसोमिलेट होता है एक कौन सा होता है प्रोसोबिलेट होता है प्रोसो मिलेट के अंदर अपने बात करें तो भाई सबसे ज्यादा होता है अनाजों में प्रोटीन बारह पॉइंट पांच उसके अलावा एक फॉक्सटेल मिलेट होता है पॉक्सटेल मिलेट में आपको लगभग 12.3 परसेंट प्रोटीन देखने को मिलता है लेकिन ये तो बहुत कम लोग खाते हैं ना अनाजों में फिर सबसे मेन में किसमें किस में है वीट गेहूं में जो हम सबसे कॉमन अनाज खाते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या है उनमें सबसे ज्यादा गेहूं में है कितना होता है लगभग बारह परसेंट होता है तो भाई ये प्रोटीन के सोर्स है सारे के सारे ये सारे के सारे क्या है प्रोटीन के सोर्स है तो पल्स क्रॉप प्रोटीन के लिए काम में लेते हैं तो वो बताने से पहले मैंने प्रोटीन के सोर्स है क्योंकि एग्रीकल्चर में ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है भाई चलिए अब अपने बात करते हैं पल्सेज क्रॉप की तो देखो भाई पल्सेज क्रॉप की हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा लेग्यूम के वो सदस्य है मेंबर जिनके ग्रेन दाने प्रोटीन के रिच सोर्स यानी प्रधान सोर्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन के रूप में ही काम में लेते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं बोल देते हैं ठीक दाले है वो बोल देते हैं तो सीरियल्स की और पल्स की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी हाँ अब आपको ये बता देते हैं विश्व में मुख्य सीरियल कौन से हैं और पल्सेज कौन से हैं सबसे पहले मैं बात करूं विश्व में सीरियल यानी अनाज की वर्ल्ड लेवल की विश्व की और तो वर्ल्ड का एक नंबर का जो अनाज है सबसे ज्यादा जो खाया जाता है विश्व में वो वीट खाया जाता है गेहूं विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा खाया जाता है राइस खाया जाता है चावल और तीसरे नंबर पे कौन सा खाया जाता है मेज खाया जाता है मक्का ठीक है और चौथे नंबर पे चलो तीन नंबर तक बहुत है बार्ले है वैसे जो है वहीं पे मैं पल्स की बात कर लू पल्स यानी दलहन की वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है अभी दलहन की बात करें तो दलहन में दुनिया में सबसे ज्यादा तो राजमा खाया जाता है जिसे आप फ्रेंच बीन या किंग ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं राजमा यानी पोषण का राजा फ्रेंच भी बोलते हैं दूसरे नंबर पे में दाल खाई जाती है यानी मटर की सब्जी नहीं दाल की बात कर रहा हूं और तीसरे नंबर पे ग्राम यानी चना खाया जाता है ये वर्ड सेनेरियो है ठीक है वहीं पे मैं बात कर लू अब आपकी अपने भारत की भारत में अगर हम सीरियल की बात करें किसकी बात करें अनाज की अब देखो भारत में अगर हम सीरियल या अनाज की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा राइस खाते हैं लोग चावल खाते हैं भारत की 60 से पैंसठ प्रतिशत आबादी का जो भोजन है ना वो चावल ही है दूसरे नंबर का कौन है भाई दूसरे नंबर का जी बीट है गेहूं और तीसरे नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर का मेज ही है मक्का है यानी मक्का है मेज है ये भारत में टॉप थ्री सीरियल्स है तो अब भारत में अपने पल्सेज की बात करें अनाजों की सॉरी दालों की बात करें इसकी बात करें पल्सेज की दालों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो दाल खाई जाती है ना वो ग्राम यानी चने की खाते हैं चिकपी भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में चिकपी भी बोलते हैं चना दूसरे नंबर पे अपने दाल खाते हैं रेड ग्राम जिसको आप पीजन पी बोलते हैं अरहर भी बोलते हैं तुअर भी बोलते हैं ना तीसरे नंबर पे अपने दाल खाते हैं ग्रीन ग्राम ग्रीन ग्राम बोले तो मूंग की दाल है वो खाते ठीक है।, है तो ये आपको बातें याद रखनी है अब अपने भारत के अंदर किंग ऑफ सीरियल किसे बोलते हैं अनाजों का राजा किंग ऑफ सीरियल पीठ अनाजों का राजा आप किसे बोलेंगे भाई गेहूं को बोलेंगे ठीक है और क्वीन ऑफ सीरियल्स क्वीन ऑफ सीरियल्स अनाजों की रानी क्वीन ऑफ सीरियल्स है वो मेज को बोलते हैं मक्का रानी का ताज पहना दिया मक्का को ठीक है उसके अलावा किंग ऑफ कोर सीरियल मोटे अनाजों का मिलेट बोला था ना किंग ऑफ कोर सीरियल किंग ऑफ कोर सीरियल सोरगम ज्वार अनाजों का राजा ज्वार को बोलते आ, उसके बाद हम बात करें किंग ऑफ पलसेज ग्राम, दालों का राजा कौन है भाई चना और उसके अलावा आपने बात करें तो क्वीन ऑफ पलसेज क्वीन ऑफ पल्सेज यानी दालों की रानी दालों की रानी आप किसे बोलोगे पी को बोलते हैं यानी मटर को बोलते हैं तो ये बातें भी आपको याद रखनी ठीक है।, है तो ये तो अपने हो गया सीरियल्स का और पल्सेज का लेखा जोखा भाई सीरियल किसका सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का दालें किसका सोर्स है जी प्रोटीन का है ना वेजिटेरियन जो लोग है यानी जो अनस्पत वनस्पतिक भोजन से अपना जीवन यापन करते हैं तो उनके लिए प्रोटीन का सबसे बढ़िया जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है दालें होती है और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा सोर्स होता है सीरियल ही होते हैं अनाज ही होते हैं ठीक है अब प्रोटीन के काम क्या है कार्बोहाइड्रेट के काम क्या है? ये तो अपने पूरे का पूरा अलग से टॉपिक है उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे यहां तो मैंने आपको जस्ट बताया कि अनाज किसके लिए सोर्स है और दालें भाई हमने कहा फील्ड क्रॉप में वो फसलें पड़ी जाती है जो हमारी बेसिक नीड पूरी करती है मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करती है तो ये हमारी सबसे मेन मूलभूत आवश्यकताएं हुई या नहीं हुई इनके बगैर जीवन कैसे चल सकता है कार्बोहाइड्रेट के बगैर प्रोटीन प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स बनाता है मांसपेशियों बनाता है सेल डिफरेंशिएशन करता है यानी कोशिका विभेदीकरण का काम करता है तो ये सब कौन करता है भाई ये प्रोटीन करता है प्रोटीन नहीं खाओगे तो ये होगा नहीं ये नहीं होगा तो हम भी नहीं होगे सीधी सी बात है तो ये हमारे लिए क्या है बेसिक नीड है मूलभूत आवश्यकताएं हैं है। अब नेक्स्ट क्रॉप की मैं बात करूं तो ऑयल सीड क्रॉप अगली जो क्रॉप है वो है आपकी ऑयल सीड क्रॉप तिलहनी फसलें ऑयल सीड क्रॉप्स यानी तिलहनी फसलें Oil seed crop या जिसे आप क्या बोलते हैं तिलहनी फसल। अब सबसे पहले तो जो ऑयल वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का, का है कौन सी भाषा का शब्द है लेटिन भाषा का है नेक्स्ट बात आती है कि ऑयल सीड क्रॉप किसका सोर्स है भाई फेट का सोर्स है वसा का सोर्स है फेट भी हमारे लिए जरूरत है ज्यादा है वो प्रॉब्लम करती है जितनी जरूरत है उतनी तो जरूरत है ही भाई स्किन के नीचे जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो किसकी बनी हुई है फेट की बनी हुई है स्किन के नीचे जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो फेट की बनी हुई है जो हमारे शरीर को बाहरी जो इंजरी है चोट है आघात है उनसे बचाती है प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए बॉडी से तो हमें एनर्जी देती है स्टोरेज फूड का काम करती है कई सारे काम है फेट के आगे हम डिस्कस करेंगे तो फेट का सोर्स होती है ऑयल सीड क्रॉप है ना वैसे भी आज के जमाने में हमें एनिमल फेट तो खानी ही नहीं चाहिए अब जैसे दूध दही खाते हैं तो उसमें जो फेट है वो एनिमल है, पशुओं से ही प्राप्त कर रहे हैं एनिमल फेट होती है ना वो सेचुरेटेड होती है संतृप्त होती है जमती है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है पहले लोग घी भी खाते थे उनकी कोई दिक्कत नहीं थी उनका फिजिकल वर्क बहुत था भौतिक रूप से एक्सरसाइज बहुत थी हमारे पास अब सुविधा है भाई एक किलोमीटर चलना है तो ऑटो पकड़ते हैं खुद की बाइक लेके जाते हैं स्कूटी लेके जाते हैं पहले इससे थोड़ी था बुढ़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते हो भाई हम पांच किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने जाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं उनसे पूछोगे पढ़े कितने हैं। बोले आधा पढ़ावा एक बोलेगा एक पढ़ाऊँ कोई बोलेगा डेढ़ पढ़ाओ कोई दो पढ़ाओ है ना पढ़ाई का इतना महत्व नहीं लेकिन वो चलते पांच किलोमीटर थे इस बात में कोई डाउट नहीं है वो सच बोल रहे हो है ना भाई सुविधा ही नहीं थी ना पहले कोई भी काम है वो शारीरिक रूप से ही करना पड़ता था तो फैट खाते डाइजेस्ट कर लेते थे क्योंकि इतना काम कर ले अब अपने भाई ऐसी फैट खा ले जो सेचुरेटेड हो जमने वाली हो डाइजेस्ट कहाँ करोगे एक घंटे जिम जाओगे उसे डाइजेस्ट हो जाएगी ना भाई ऐसा नहीं होता है है ना तो आज के समय सेचुरेटेड फैट संतृप्त वसा खाना खतरे से बाहर नहीं है एनिमल फैट होती है वो सेचुरेटेड ही होती है संतृप्त ही होती है सिर्फ एक टूना फीस जो होती है ना टून्ना मछली उसका जो तेल होता है वो अनसेचुरेटेड होता है असंतृप्त होता है वहीं पे आप देखोगे मोस्ट ऑफ वेजिटेटिव जो फेज फेट होती है वानस्पतिक स्त्रोतों की जो वसा होती है यानी पौधों से जो वसा होती है वो अनसेचुरेटेड होती है असंतृप्त होती है सिर्फ ये जो आपके एरिकेसी कुल के जो सदस्य होते हैं ना एरिकेसी एक फैमिली है कुल है जिसमें आपका कोकोनट नारियल आता है ऑयल पाम आता है तेल का अपने नारियल का तेल घर में देखा होता जम जाता है तो बस इनकी वसा जमती है बाकी तो अपने जो तिलनी फसलें काम में लेते हैं ऑयल सीड क्रॉप अपने काम में लेते हैं जिनका तेल अपने खाते हैं उनका तेल कहाँ जमता है तो इनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होती है असंतृप्त तो वसाएं होती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती भाई फेट जरूर से ज्यादा खाना तो नुकसानदायक है इस बात में तो कोई डाउट ही फेट जरूर से ज्यादा खाना तो क्या है नुकसानदायक ही है लेकिन ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है क्यों नहीं है भाई ज्यादा नुकसानदायक क्योंकि सेचुरेटेड नहीं है अनसेटेड है असंतृत है जमती नहीं है अब देखो जो हमारी ऑयल सीड क्रॉप है ना उसको हम दो श्रेणी में बांटते हैं एक तो एडिबल और नॉन एडिबल खाद्य और अखाद्य एडिबल क्रॉप कौन सी होती है जिनका तेल खाया जाता है नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप कौन सी जिनका तेल नहीं खाया जाता जिनका तेल खाया जाता है वो एडिबल है जिनका नहीं खाया जाता वो कौन सा है नॉन एडिबल है ठीक है ध्यान रखना है पहले बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है वो लगाते हैं एडिबल खाद्य तेल में कौन कौन सी लगती है देखो एडिबल में आपकी लगती है एक तो ग्राउंडनट मूंगफली भारत में जो सबसे ज्यादा तेल खाया जाता है वो किसका खाया जाता है ग्राउंड नट मूंगफली का खाया जाता है किसका तेल खाते हो आप सबसे ज्यादा ग्राउंड नट मूंगफली का खाते हो भारत में प्रोड्यूस भी तेल जो प्रोड्यूस होता है ना तेल वो ग्राउंड नट का ही होता है मूंगफली का ही होता है किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप भी किसे बोलते हैं फसलों का राजा भी किसे बोलते हैं ग्राउंड नट तो एक तो ग्राउंड नट है दूसरे नंबर पे भारत में जो तेल उत्पादित होता है वो मस्टर्ड का होता है यानी सरसों राई का दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खाया ही इसका जाता है तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे सोयाबीन का तेल खाते हैं है ना सोयाबीन का उसके बाद हम देखें कौन कौन सी और खाने वाली तेल उत्पादित करती है से समय यानी तिल यह भी खाने योग्य तेल ही है सनफ्लावर सूरजमुखी इसका भी तेल खाने के काम में ही लिया जाता है से फ्लावर कुसुम का तेल भी अपने खाने के काम में ही लेते हैं क्वीन ऑफ ऑयल सीड तिलहनी फसलों की रानी तिल को कहते हैं तिल की जो तेल होता है वो क्वालिटी वाइज बढ़िया माना जाता है गरीब का घी भी बोलते हैं पुअर मैन घी भी बोलते हैं है ना और इसके बीज है वो धार्मिक महत्व भी रखते हैं वो कल बात करेंगे इसे सीड ऑफ मोर्टिलिटी भी कहते हैं और एक होता है जी नाइजर्स तो ये सब क्या है खाने वाले तेल वाली फसलें हैं तो ये तो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए खाने वाले तेल को उत्पादित करने के लिए भारत में लगाई जाती है कितनी सात नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप कौन सी नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप इसमें अपनी दो है एक खाद्य तेल पैदा करने वाले एक तो है केस्टर अरंडी तो भाई इसका तेल खाते नहीं तो क्या करते हैं औद्योगिक तो महत्व में काम में लेते हैं जैसे ल्यूब्रिकेंट बनाने में पेस्टिसाइड बनाने में डाई बनाने में बहुत सारी चीजें बनाने में कल तो बात करें और एक है जी लीन सीड लीन सीड, लीन सीड को आप अलसी बोलते हैं ये भी नॉन एडिबल ऑयल ही प्रोड्यूस है। है? तो ये नॉन एडिबल के अंदर आती है टोटल भारत में व्यवसायिक स्तर पर कमर्शियल लेवल पर कितनी ऑयल सीड क्रोप ग्रो की जाती है नो ग्रो की जाती है है ना अब जिसमें से अपनी तीन फसलें हैं ना वो 1965 के बाद भारत में आई है एक तो सोयाबीन एक सनफ्लावर सूरजमुखी और एक से फ्लावर कुसुम ये तीन है ये उन्नीस से पहले भारत में लगती ही नहीं थी तो हम इन्हें बोलते हैं मॉडर्न ऑयल सीड तिलहनी फसल तो आपसे पूछ ले आधुनिक तिलनी फसल कौन सी आप बोलोगे सोयाबीन सूरजमुखी और कुसुम यानी सोयाबीन सनफ्लावर और से फ्लावर पहले इनकी खेती नहीं होती थी आजकल खूब होने गई है भाई है ना उन्नीस में आई अब देखो खूब एरिया आपको पता है अगर तिलनी फसलों का क्षेत्रफल देखें ना एरिया तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का है इतना क्यों बढ़ गया इसका कारण भी आपको कल बताएंगे लेकिन ये तीनों मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कहलाती है आधुनिक तिलनी फसलें कहलाती है चलिए अभी नेक्स्ट क्लास है आपकी तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही जितना करवा दिए वो आप डेली रिवाइज करिए भाई ओके थैंक यू